नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका केवल टाचक यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज का वीडियो है टाइप्स ऑफ मॉर्गेज क्या होता है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ मॉर्गेजर कौन होता है मॉर्गेजर वो वो व्यक्ति होता है जिसको पैसे की ज़रूरत है और मोर्गेजी वो इंसान होता है जो पैसा देता है मॉर्गेजर जो है वो मोर्गेजी के पास अपनी प्रॉपर्टी गिरवे रखता है और वो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है उसका अमाउंट जो है मोर्गेजी जो है वो मॉर्गेजर को दे देता है ठीक है अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्गेज क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 एट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ मॉर्गेज टोटल छः प्रकार के मॉर्गेज होते हैं पहला है सिंपल मॉर्गेज दूसरा है कंडीशनल मॉर्गेज तीसरा है यूसुफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज चौथा है इंग्लिश मॉर्गेज पाँचवा है डिपोजिट ऑफ टाइटल डीट्स चौथा है अनोमलस मॉर्गेज अब हम सारे चीजों का हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ केस केसलो भी मिल जाएगा और असेंशियल जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है इन पांचों मोर्गेज का आपको मिल जाएगा सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मोर्गेज क्या होता है सिंपल मोर्गेज जो है वो डिफाइन अंडर सेक्शन 58 बी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 तो मोर्गेजर डज नॉट ट्रांसफर immovable प्रॉपर्टी टू द mortgagee बट agrees टू पे द मनी यहाँ पे क्या होता है मोर्गेजर जो है जिसको पैसे की ज़रूरत है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता मगर वो बोलता है कि मैं अब आप, आपका पैसा जो है वो कुछ समय के बाद लौटा दूंगा ठीक है किसको बोलता है मोर्गेजी को जो पैसा दे रहा है ठीक है इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट द मोर्गेजी हैज़ राइट टू सेल द प्रॉपर्टी अगर मोर्गेजर जो है अगर वो पे नहीं कर पाए समय से पहले या तो समय ख़त्म होने से पहले तो मोर्गेजी जो है उसके पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी बेच सकता है ठीक है विदाउट डिलीवरिंग द पोजेसन ऑफ द प्रॉपर्टी द मोर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली टू मोर्गेज मनी अभी यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो डिलीवरी पोजेशन है वो ट्रांसफर नहीं होता मोर्गेजर टू मोर्गेजी यहाँ पे जो मॉर्गेजर है जो पैसा ले रहा है वो अपने आप को बाइंड करता है कि वो जो पैसा लिया है मॉर्गेजी के पास से वो उसको रिटर्न दे देगा ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है सिंपल मॉर्गेज का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इन सिंपल मॉर्गेज और मॉर्गेजर टेक्स अप पर्सनल अंडरटेकिंग टू पे द लोन सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है मॉर्गेजर जो है वो खुद को खुद को लायबल बना देता है कि वो खुद पर्सनली पैसा पे करेगा मॉर्गेजी को ठीक है पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट गिवन टू द मॉर्गेज यहाँ पे पोजेशन जो है देखो ओनरशिप और पोजेशन दोनों अलग चीज़ है यहाँ पे ओनर भी मॉर्गेजर ही रहेगा और पोजेशन भी मॉर्गेजर के पास ही रहेगा मगर मॉर्गेजर जो है उसको कुछ समय के बाद पैसा जो है वो मॉर्गेजी को लौटाना पड़ेगा अगर नहीं लौटा पाया तो मॉर्गेजी का राइट right बनता है कि वो प्रॉपर्टी सेल कर सकता है ठीक है इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द लोन द मॉर्गेजी हैज राइट टू सेल द प्रॉपर्टी थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट अभी देखिए दोस्तों जब मॉर्गेजी जो है अगर उसको प्रॉपर्टी सेल करनी है तो डायरेक्टली ऐसे ही सेल नहीं कर सकता उसके लिए कोर्ट का प्रोसीजर होता है कोर्ट को बताना पड़ेगा कि जो मॉर्गेजर है उसने मेरे पास से पैसा लिया था वो तो एक महीने के लिए फॉर एग्जाम्पल ठीक है वो एक महीने के अंदर लौटा नहीं पाया इसलिए मैं अब मॉर्गेज मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ अगर कोर्ट हाँ बोलती है तो ही वो बेच पाएगा अदरवाइज़ नहीं बेच पाएगा इन सिंपल मॉर्गेज कैन बी मेड ओनली थ्रू रजिस्टर डॉक्यूमेंट सिंपल मॉर्गेज जो है उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट जो मॉर्गेज डीड होता है ना सिंपल मॉर्गेज डीड उसको रजिस्टर करना पड़ता है उसके बिना कोर्ट में कोई उसकी वैल्यू नहीं होती अगर रजिस्टर नहीं करवाया तो मॉर्गेज मोर्गेजी अगर कोर्ट में जाएगा तो भी कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी दूसरी बात करते हैं कंड मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल जिसको बोलते हैं कंडीशनल मॉर्गेज ठीक है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल इज अ डिफाइंड अंडर सेक्शन 58 सी ऑफ ट्रांसफर ऑफ

सबसे पहले कंडीशनल से मोर्गेज की बात करते हो तो ये फिफ्टी एट सीज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक एटीन एटी टू में डिफाइन किया गया है ओवर हियर द मोर्गेजी प्लेस द थ्री कंडीशन टू द मोर्गेजर एंड द मोर्गेजी के पास तीन तीन कंडीशन मोर्गेज को देती है कि अगर मोर्गेजर पैसा नहीं दे पाया तो प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो जाएगी अगर मोर्गेजी पैसा लौटा मोर्गेजर पैसा लौटा देता है मोर्गेजी को तो प्रॉपर्टी का जो सेल है वो वर्ड माना जाएगा और फिर से प्रॉपर्टी मोर्गेजर के पास चली जाएगी प्रॉपर्टी ट्रांसफर एंड सच ट्रांसफर इज कॉल्ड मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल ठीक है तो इसको बोल दे बोल दे, बोल रहे कंडीशनल सेल माना जाता है अब बात करते हैं इसके असेंशियल क्या होता है कंडीशनल सेल के ठीक है व्हाट आर द असेंशियल ऑफ कंडीशनल सेल द मोर्गेजर ऑस्टम ऑस्टम सेल्स द इमोबल प्रॉपर्टी बाय सेल यहां पे क्या होता है मॉर्गेजर जो है वो मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी बेसिकली सेल कर देता है मॉर्गेजर इज गिविंग अ टाइटल एंड पोजिशन टू द मॉर्गेजी एंड हैं द मोर्गेजी गेट इस द राइट सिंपल मोर्गेज में क्या होता था प्रॉपर्टी और ओनरशिप दोनों मॉर्गेजर के पास रहता था मगर वो प्रॉपर्टी गिरवे रखता था और तो उसके बेसिस पे पैसे लेता था वहाँ पे जो है पॉजेशन और ओनरशिप दोनों मॉर्गेज मॉर्गेजर के पास रहता था मॉर्गेजर वो व्यक्ति होता है जो पैसा कि पैसा लेता है अभी सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है पॉजेशन और ऑनरशिप दोनों मोर्गेजी को से सेल करके मिल जाता है ठीक है अब बात करते हैं ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट सेल बिकम्स एब्सोल्यूट ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है अगर मोर्गेज मोर्गेजर जो है वो पैसा नहीं दे पाया मोर्गेजी को तो यहाँ पे जो मोर्गेजर ने पहले ही प्रॉपर्टी बेच दी है मोर्गेजी को तो वो सेल जो है वो पक्का हो जाएगा एब्सोल्यूट हो जाएगा ठीक है एंड अगर मोर्गेजी जो है मोर्गेजर जो है उसने पेमेंट कर दिया तो सेल जो है वो वर्ड बन जाएगा ठीक है मॉर्गेजर इज द एंटाइटल टू गेट द प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑन द सच पेमेंट अभी सिंपल मॉर्गेज और कंडिशनल सेल में मोर्गेज का जो फर्क यही है कि सिंपल मोर्गेज में क्या होता है प्रॉपर्टी जो है उसका टाइटल और पॉजिशन दोनों मोर्गेजर के पास ही रहता है वो देता नहीं है किसी को मगर वो प्रॉपर्टी गिरवे रख देता है ठीक है अगर पेमेंट नहीं कर पाया तो मोर्गेजी सेल कर सकता है मगर कंडिशनल सेल में क्या होता है प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेल कर देता है मोर्गेजी को जो मॉर्गेजर होता है वो प्रॉपर्टी पहले ही सेल कर देता है मॉर्गेजी को ठीक है अब अगर पेमेंट नहीं हो पाया टाइम पे तो मॉर्गेजी का हक बन जाता है वो प्रॉपर्टी के ऊपर एब्सोल्यूट हक वो मालिक बन जाता है प्रॉपर्टी का बाद में वो बेचे ना बेचे उसके ऊपर है मगर प्रॉपर्टी उसके पास हो जाती है ठीक है तो यही दोनों फर्क है सबसे मेन जो सिंपल और कंडीशनल सेल में बताता है अब मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल में एक केस लो दिया गया है जिसका नाम है रामा वर्सिस सयापा समायापा तो कोर्ट हेल्ड दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट द मोर्गेजी बिकम्स एब्सोलूट ओनर ऑफ द प्रोपर्टी एंड देर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द मोर्गेजर अगर मोर्गेजर पैसा नहीं दे पाता टाइम पे तो मोर्गेजी जो है प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है और यहाँ पे मोर्गेजर जो है वो लाइबिलिटी से मुक्त हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी उसने अपनी प्रॉपर्टी गवा दी ठीक है तो यहाँ पे मोर्गेजर के पास से कुछ लेना निकलता नहीं है प्रॉपर्टी ऑलरेडी मोर्गेजी के पास चली गई अब बात करते यूसुफ फ्रैक्चर मोर्गेज क्या होता है यूसुफ फ्रेक्चरी मोर्गेजी डिफाइंड अंडर सेक्शन फिफ्टी एट डी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एटीन एटी टू मोर्गेजर डिलीवर्स द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द मोर्गेजी एंड अथोराइज द मोर्गेजी टू रिटेन सच प्रॉपर्टी एंटिल द पेमेंट इज मेड बाय द मोर्गेजर मोर्गेजर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो मोर्गेजी को दे देता है पजेशन और ओनरशिप अलग चीज़ है दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखो ओनरशिप जो है वो मालिक मालिक होता है पोजेशन जो है वो ह, जो उस जगह पर रहता है मालिक कौन होता है जिसका घर है और पोजेशन मतलब जो रेंट पे रहता है ना वो उसके पास पोजेशन हो गया ठीक है तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है मॉर्गेजर यहाँ पे डिलीवर करता है प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को और कंडीशन ये होती है कि जब तक मॉर्गेजर पैसा नहीं लौटाता मॉर्गेजी को तब तक प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेजर के पास रहेगी ठीक है एंड ऑल्सो ऑथोराइज द मोर्गेजी टू रिसीव रेंट और प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एंड अप्रोप्रिएट सेम विल बी सेम ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अब यहाँ पे क्या होता है uh, समझो आप मॉर्गेजर है जिसको पैसे चाहिए मैं मॉर्गेज हूँ मैं आपको पैसा देने को तैयार हूँ तो आप क्या करोगे आप अपनी प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो मुझे दे दोगे मैं आपकी प्रॉपर्टी पे आके रह सकता हूँ या तो फिर किसी भाड़ूत को लेके आऊँगा वो आपकी प्रॉपर्टी पर रहने लगेगा और उस प्रॉपर्टी का जो भाड़ा है वो मैं ले सकता हूँ और वो आपके आपको मैंने जो लोन दिया ना उसके साथ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ ठीक है तो ये हो गया करेक्टर Uh, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ समझो आपने मुझे अब आप प्रॉपर्टी दी दस लाख की मैंने आपको नौ लाख रुपया दे दिया ठीक है दस ल, एक एक लाख मैंने अपने इंटरेस्ट का पहले ही काट लिया हर मार्केट में प्रैक्टिकल यही चलता है तो उसमें होता क्या है ना मैं आपके प्रॉपर्टी पे किसी भाड़ूत को लेके आऊँगा वो मुझे हर महीना दस हज़ार रुपया देता है तो आपके जो नौ लाख मुझे देने बनते हैं ना उसमें से मैं दस दस लाख रुपया काउंट करते जाऊँगा तो उतना आपका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा तो जो 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 भी ट्रांजेक्शन है वो उस हिसाब से समझ के करना पड़ता है इसको बोलते हैं यूसुफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज ये काफ़ी सिंपल एक्सप्लेन किया दोस्तों दोस्तों आपको पता होगा कि आप एलएलबी कर रहे हो आप तो नोट्स अवेलेबल नहीं है मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करता हूँ कि नोट्स के साथ साथ सिंपल एक्सप्लेनेशन भी लोगों को प्रोवाइड अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें कैरेक्टर क्या है यूसु फ्रैक्चरी मॉर्गेज का ठीक है सबसे पहला कैरेक्टर ये है कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन दे देते हैं और वो प्रॉपर्टी के ऊपर मैं मैं खुद रह सकता हूँ या तो फिर किसी भाड़ूत को लेकर आ सकता हूँ और वो जो भाड़ा देगा वो आपको जो मैंने लोन दी है नौ लाख रुपया उसके साथ हम एडजस्ट कर लेंगे ठीक है एन्जॉय इज एन्जॉयमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी बाय द मोर्गेजी मैं आपकी प्रॉपर्टी एन्जॉय कर सकता हूँ ठीक है या तो फिर मैं किसी भाड़ूत को लेकर आऊँगा वो आपकी प्रॉपर्टी एन्जॉय करेगा नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ मोर्गेज यहाँ पर आपकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है सेवन सेवन में आया क्योंकि ऑलरेडी कोई भाड़ूत रह रहा है वो भी मुझे भाड़ा दे रहा है आप भी मुझे पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे पर्सनल लाइबिलिटी कुछ नहीं है अगर आप नहीं दे पाते तो मैं आपकी प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ तो यहाँ पे आप अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाओगे तो यूसुफ फ्रैक्चरी मोर्गेज हैज़ नो टाइम लिमिट टू रिपे द मनी इज फिक्स अब यहाँ पे क्या होता तो है यूसुफ फ्रैक्चरी मोर्गेज नो टाइम लिमिट टू रिपे द मनी यहाँ पे कुछ टाइम लिमिट फिक्स नहीं होता यूसु फ्रैक्चरी मॉर्गेज में पहले मैंने जो दो मॉर्गेज की बात की सिंपल और कंडीशनल सेल उस दौर में टाइम लिमिट होता है कि अगर मैंने आपको आप मोर्गेजर है मैं मोर्गेज हूँ मैंने आपको एक महीने के लिए पैसा दिया तो आप एक महीने के अंदर आपको मुझे लौटाने है अगर आप महीने के आखिरी दिन में भी लौटा देते तो भी मुझे चलेगा यूसुफ फ्रैक्चर में कोई फिक्स डेट नहीं होता आप कभी भी दे दो आपके अगर आपकी कंडीशन अच्छी है तो आप पहले भी दे सकते हैं कंडीशन थोड़ी वीक है फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो आप बाद में भी दे सकते हैं क्योंकि मुझे भाड़ा तो मिल ही रहा है आपको जो मुझे पैसा देना है मंथली वो उसका इंस्टॉलमेंट तो मुझे भाड़ूप से मिल रहा है ठीक है ये हो गया अब यूसुफ रेक्ष मॉर्गेज ये तो हो गया ठीक है अब इसमें केसलो की बात करते हैं क्या होता है केसलो है छट्टू वर्सेस कंजन 1889 अभी कोर्ट ने क्या बोला कोर्ट हेल्ड डेट सीन्स देर इज नो पर्सनल लाइब्रिटी ऑन मॉर्गेजर मॉर्गेजर कैन नॉट बी शूड पर्सनली फॉर द डेप्ट अब यहाँ पे पर्सनल लाइब्रिटी मॉर्गेजर का कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर मॉर्गेजर को मोर्गेजी मतलब मैं आपको कभी पर्सनली शू नहीं कर सकता ठीक है अब बात करते हैं इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है जो चौथा मॉर्गेज है टोटल छः तरह के मॉर्गेज होते हैं उसमें से ये चौथा है इंग्लिश मॉर्गेज इंग्लिश मॉर्गेज इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 58 ई ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इन इंग्लिश मॉर्गेज द द मॉर्गेजर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एब्सोल्यूटली टू द मोर्गेज ही यहाँ पे क्या होता है प्रॉपर्टी एब्सोल्यूटली ट्रांसफर हो जाती है मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी जो है आप मॉर्गेजर है मैं मोर्गेज हूँ आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे एब्सोल्यूटली ट्रांसफर कर रहे हैं to mortgagee and binds himself that he will repay the money on specific date yahan pe likha hai specific date and such transaction is called english mortgage yahan pe kya hota hai aap un property mujhe transfer kar dete hai specifically theek hai और अगर आप अपने आप को बोलते हो कि अगर आप property मतलब जो पैसा है वो मुझे लौटा नहीं पाए तो मैं आपकी property बेच सकता हूँ उसको बोलते हैं English mortgage अभी यहाँ पे English mortgage में time period fix होता है पहले जो मैंने मॉर्गेज की बात की उसको जो 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 यूसु फैक्चरी मॉर्गेज की बात की उसमें टाइम लिमिट कुछ नहीं होता अगर आपका कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है तो आप पहले भी मुझे जल्दी भी पेमेंट कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो आप बाद में भी दे सकते हैं ठीक है इंग्लिश मॉर्गेज में ऐसा नहीं होता जो टाइम लिमिट फिक्स है वो उसके ऊपर ही देना पड़ता है आपको कैरेक्टर ऑफ इंग्लिश मोर्गेज क्या होता है देखो मोर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ टू रीपे द मनी ऑन फिक्स डेट यहाँ पे यूसुफ फ्रैक्चर में क्या होता था मोर्गेजर जो है वो अपने आपको बाइंड नहीं करता था क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी से मुझे ऑलरेडी भाड़ा मिल रहा है अब इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है मॉर्गेजर अपने आपको बाइंड करता है कि वो प्रॉपर्टी का जो मतलब जो उसने प्रॉपर्टी गिरवे रखा है उस पे बेसिस पे मैं आपको पेमेंट दे दूंगा मतलब आपको मुझे पैसा देना ही है आप पर्सनली अपने आपको बाइंड करते हैं पैसा देने के लिए ठीक है प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर एब्सोल्युटली टू द मोर्गेज आपका प्रॉपर्टी है आप मुझे एपसिलू ट्रांसफ़र कर दोगे वो प्रॉपर्टी मेरे पास ही रहेगी मोर्गेजी विल री ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द मोर्गेजर ऑन द पेमेंट ऑफ मनी ऑन सेट डेट अगर समझो मैंने आपको एक महीने का टाइम लिमिट दिया था ठीक है मैंने आपको नौ लाख रुपया दिया आपका प्रॉपर्टी दस लाख रुपये का था एक लाख में एक लाख मैंने इंटरेस्ट काट लिया मैंने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने नौ लाख रुपया दिया आपने एक महीने के अंदर मुझे वो पेमेंट लौटा दिया तो मैं आपकी प्रॉपर्टी आपको रिटर्न दे दूंगा ठीक है फिर आपकी प्रॉपर्टी का मुझे कुछ काम नहीं रहेगा अब बात करते हैं पांचवे मोर्गेज की जिसको बोलते हैं डिपोजिट ऑफ टाइटल डीड नाम में ही आंसर है दोस्तों आप अपना जो टाइटल जो है डिपोजिट जो टाइटल डीड होता है ना जो सेल डीड होता है वो सेल डीड मेरे पास गिरवे रख दोगे ठीक है डिपोजिट ऑफ टाइटल डीड आर डिफाइंड अंडर सेक्शन फिफ्टी एट एफ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एटीन एट्टी टू अब ये पैराग्राफ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है वेर अ पर्सन इज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाउन जैसे कोलकाता हो गया मद्रास हो गया बॉम्बे हो गया ठीक है एनी इन एनी अदर गवर्नमेंट कंसर्न बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशल गेजेट स्पेसिफाई इन धिस बिहाफ डिलीवर डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल डीड ऑफ ह्यूम प्रॉपर्टी डिपोजिट ऑफ टाइटल डीड मतलब अगर यहाँ पे क्या होता है कोलकाता मुंबई मद्रास में क्या होता है आपको टाइटल डीड गिवे रख के भी आप जो वो मॉर्गेज लोन ले सकते हैं अब कैरेक्टर क्या है मॉर्गेज जो है उसका जो मॉर्गेज बाय टाइटल डीड सबमिशन जो है एग्जिस्टेंस ऑफ डेप द डेप मे बी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेप मतलब जो आप ला मैंने आपको नौ लाख रुपए दिया वो एग्जिस्टिंग लाइब्रेटी भी हो सकता है आपका और फ्यूचर का लाइब्रेटी भी हो सकता है डिपोजिट ऑफ टाइटल डीड आप अपना टाइटल डीड जो है आपने प्रॉपर्टी खरीदा तो आपने कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाया होगा ना रजिस्टर के पास वो डॉक्यूमेंट को ही टाइटल डीड बोलते हैं जिसको बोलते हैं सेल डीड इंग्लिश में तो वो सेल डीड आप मेरे पास गिरवे रख दोगे इंटेंशन टू क्रिएट सिक्योरिटी अभी आपका और मेरा दोनों का इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो एज ए सिक्योरिटी काम करे ठीक है केस सलो क्या है जेठी बाई वर्सिज पुटला बाई कोर्ट हेल्ड देर इज नो इक्विटेबल मोर्गेज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डेप्टजेशन ऑफ ऑफ द टाइटल डीड यहां पे क्या होता है टाइटल डीड आप मुझे क्यों दे रहे हो क्योंकि आपका मेरे पे लायबिलिटी है राइट right? मैं आपको नौ लाख रुपए दे रहा हूं तो आपका मेरे पे लायबिलिटी है कि एक महीने के अंदर आपको मुझे पैसे लौटाने हैं अगर ये दोनों के बीच में कनेक्शन है आपने मुझे टाइटल डिट दिया और मैंने आपको पैसा दिया ये दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए और ट्रांजेक्शन भी एक ही होना चाहिए तब जाके ये जो है वो बात बनती है अब बात करते हैं अनोमलस मोर्गेज क्या होता है देखिए दोस्तों इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है और आप बुक में पढ़ोगे तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज से बताने की ट्राई करूंगा अनोमलस मोर्गेज जो है वो फिफ्टी नाइन फिफ्टी एट जी पे बताया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एटीन एटी टू और मॉर्गेज विच इज नॉट अ सिंपल मॉर्गेज अब मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल यूसु फ्रैक्चरी मॉर्गेज कैन एन इंग्लिश मॉर्गेज अ मॉर्गेज बाय डिपोजिट टाइटल डीड कॉल एंडोनस मॉर्गेज मतलब जितने भी मैंने पाँच टाइट मॉर्गेज ऊपर बताया पाँच तरह के जैसे सिंपल हो गया इंग्लिश हो गया यूसु फ्रैक्चरी हो गया सबमिशन ऑफ टाइटल डीड हो गया है ना ये जितने भी मैंने आपको बताए उस उस आ, उस सारों को छोड़ के जो छठा बचता है उसको बोलते हैं अनोमलस मोर्गेज जो किसी भी नहीं आता वो अनोम मोर्गेज में आता है ठीक है अब उसके बारे में केस लो क्या बोलता है कोर्ट हेल्थ कोई केस लो का नाम है माधव राव वर्सेज गुलाम मोहरुद्दीन ए आई आर नाइनटीन वन कोर्ट हेल्ड दैट वाइल्ड कंसिडरिंग एन एनोमलस मॉर्गेज द इंटेंशन ऑफ पार्टी मस्ट बी कंसिडर्ड अभी आप जो है अपने आपका आपके माइंड में वो होना चाहिए कि मैं इसके पास से पैसा ले रहा हूँ तो इस काम के लिए तो वो एक कंडीशन हो जाता है देखिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत की है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और चैनल पे एक बेल बेल आइकन भी दबा दें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा हमारे चैनल पर आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एल एल बी एल एल एम नेट पी एच डी सारी इन्फॉर्मेशन विथ नोट नोट्स के साथ आपको मिल जाएगी शुक्रिया